अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये वही इंसान जिसने उस रात मुझे कमरे में बंद किया था। भाभी पक्का ये वही आदमी है? पक्का। एक मिनट आप रुको। रुक। यही होती है रानी की खासियत, जब सामने वाला राजा अपने दूसरे खिलाड़ियों को बचाने में व्यस्त होता है तो रानी एक ऐसी जगह से आकर शेयर बांट देती है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। भाभी वो आदमी तो भाग गया, पर उसके पास ये इन बालक मिला है। काम होने के बाद इस नंबर पर फोन करके पैसे ले लेना। भीम भैया ये नंबर डायल करिए। हाँ। हाँ भाभी। तुम ठीक हो ना? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? पहले से ठीक हूं, पर मुझे हुआ क्या था? लास्ट सिर्फ मुझे इतना याद है कि पता नहीं सर में बहुत दर्द हो रहा था और हाथ भी नीला पड़ गया था, कि मुझे कुछ याद नहीं है, शायद बेहोश हो गई थी। तुम्हें याद है रानी भाभी ने मुझे गुलाब दिया था तुम्हारे बालों में लगाने के लिए। तुम इन फूलों में से ना एक फूल काजल के बालों में लगा दो, तुम्हारी बीवी और भी सुंदर लगेगी। उसमें जहर था और उन्होंने महक को भी एक जहरीले कमरे में बंद कर दिया था, और फिर तुम दोनों को बचाने के बाद जब मैंने उसका पीछा किया तो वो रानी भाभी थी। और
उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। पर महक, वो कहाँ है? वो ठीक है ना? महक अब ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयां और कुछ नाश्ता भिजवाता हूँ। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, पर मैं जानती हूं कि महक की भी तबीयत ठीक नहीं है, और आप यहां मेरे साथ थे, मैं समझ सकती हूं आपके लिए कितना मुश्किल होगा। यह काजल मेरी, आपकी डॉक्टर जिसने जबरदस्ती आपसे शादी की। काजल, काजल तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैक, मेरी बात सुनो, तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है। आपको क्या लगता है रानी भाभी ने आपको पूरा सच बताया? जी नहीं, ये है पूरा सच। पर रानी भाभी ने आपको ये नहीं बताया कि मुझे मारने के लिए उन्हें काजल ने कहा था। आप इस नंबर को डायल करिए। काजल इतनी स्मार्ट थी कि उसने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी ताकि मेरे मौत का इल्जाम उस पर ना आए। अब पता चला आपको पूरा सच। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इतना सब कुछ करने के बाद भी चली आई? नहीं महक, आप गलत समझ रही हैं। सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। ये इसकी कोई दूसरी चाल है, पक्का इसके पास कोई दूसरा फोन है। महक, मैं आप देखो, मिस्टर अग्निवंशी तुम्हें भले ही माफ कर देंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। सच बताओ, तुम्हें ना रानी को भेजा था ना मुझे मारने के लिए? नहीं, मैं तो उनसे पहली बार मिली थी। सच बोलो काजल। वरना मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगी। मैं तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 10 तक है ना काजल, बोलो। 10, 9। मैंने कहा था ना आलोक, इनकी नजरें कहीं और होंगी और हम अपनी बाजी खेल जाएंगे। अब महक सारा इल्जाम काजल पर लगा रही है। ऐसे में एकांश अपनी दोनों बीवियों में से किसी एक को तो चुन नहीं पाएगा, तो उसकी एक बीवी दूसरी बीवी को मारकर जेल चली जाएगी और हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे रास्ते से दोनों कांटे अपने आप एक ही बार में निकल जाएंगे। तुम ये क्या कर रही हो मैक? अपने से क्यों बचा? अब जानते हैं ना इसने क्या किया मैक। इन सबूतों से ये साबित नहीं होता है कि काजल ने ये सब किया है। रानी भाभी ने हमें धोखा दिया है। रानी भाभी ने हमको फंसाने के लिए सब किया था और ये झूठा इल्जाम काजल के ऊपर लगाया है, उसका नाम फंसाने के लिए। मुझसे ज्यादा आपको इस पर भरोसा है? नहीं मैं, कैसी बात नहीं है। इस एनवेलप से, इन सारी चीजों से ये साबित नहीं होता है। मैं इसके बिना पर काजल पर शक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबूत काफी नहीं है। और तुम्हें नहीं लगता तो बहुत जल्दी काजल को जज कर रही। महक, प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। काजल प्लीज, अभी हमें अकेला छोड़ दो। महक तुम अभी आराम करो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं बहुत जल्द पूरा सच जानकर रहूंगा। मिस्टर अग्निवंशी, मुझे काजल पर शक करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। अब मैं उस पर नजर रखूंगी और उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। मिस्टर अग्निवंशी, मैं आपका खुद पर से विश्वास क्यों डगमगाने नहीं दूंगी। मैं पता लगा कर रहूंगी कि रानी को किसने भेजा और ये सारा इल्जाम मुझ पर किसने डाला। हमारा प्लान कामयाब हो गया? नहीं आलोक, हमारे हाथ तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक हमें वो राजेश शर्मा नहीं मिल जाता। एकांश के 30वें जन्मदिन से पहले हमें किसी भी कीमत पर वो लाल डायरी हासिल करनी है, और एकांश 3 दिन में 30 साल का होने वाला है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे आदमी उसके पूरे परिवार के पीछे लगे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा वो कॉल करेंगे। अब मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाएगी।
काजल बेटा, मुझे शाम को पुरानी वाली गली में 15 नंबर घर के पास आकर मिलो। वो कौन होगा जिसने जिसने मुझे मारने की कोशिश की? हद मेरा हो अपनी, जानती नहीं हो किससे दुश्मनी ले रही हो? मेरे घर में आकर मुझे चुनौती दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो कौन तुम? मामूली सी डॉक्टर? कौन होगा जिसे महक को मेरा दुश्मन बना के फायदा मिलेगा? वो कौन है जिसने जिसने रानी से ये सब करवाया है? सुनीता आंटी? कहीं सुनीता आंटी ने तो ये सब नहीं करवाया? वो ये सब क्यों करवाएगी? काजल बेटा, मुझे शाम को पुरानी वाली गली में 15 नंबर घर के पास आकर मिलो। पापा मुझे फौरन क्यों बुला रहे हैं? कहीं पापा मुसीबत में तो नहीं है? मुझे फौरन निकलना पड़ेगा। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, पता करना पड़ेगा। इसका पीछा करती हूँ। अरे अब तू कहाँ जा रहा है? अपनी बहन को बचाने। वो जहां गई है उसका वहां अकेले जाना सही नहीं है मां। माता रानी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ बेटा। काजल को सही सलामत घर वापस लेकर आना। हाँ जा। हेलो। हाँ बोल। ओम अभी किसी काम से बाहर निकला है। गधे, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? उसका पीछा करो जाके। जी चल। इडियट्स। अरे जल्दी कर, क्या कर रहा है? अभी निकल जाएगा। चल इधर ले, इधर। पुरानी वाली गली ले चलो, जल्दी जल्दी चलिए। भैया उस गाड़ी का पीछा करो।
काजल कहाँ चली गई? ये दरवाजा तो अंदर से बंद है, अब क्या करूं? पर आज मैं इस काजल को रंगे हाथों पकड़ के ही रहूंगी।